Assalamu alaikum everyone. I hope everyone must be enjoying such wonderful morning. So how's college going? This is third day and you are taking classes virtually. मजा आ रहा कॉलेज में बैठे होते हैं, क्या कहते हैं आप लोग? हैं अली शरियार, सफर, मोहम्मद हसन, इतना मजा आता ना। और जो फिजिकल क्लासेस हैं ऑब्वियसली उन जैसी तो कोई क्लासेस होती ही नहीं है। पता है What fascinates a teacher? Curious faces, wanting to know. और वो energy बढ़ाते हैं teachers के। मैं तो वैसे भी इतना खुश हूँ। कल result आया है टू का। और बहुत अच्छा, पूरे वेल्स कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया, ए स्टार्स, एस। So far, 8 students. Inform your friends and fellows to join the class as soon as possible. अपनी लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन पार्टिकल्स तक पहुंचाया था एंड वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट थ्री डिफरेंट पार्टिकल्स इन एन एटम, है ना। हम बात कर रहे थे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स हैं। और बात हमारी ये चल रही थी कि मास ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन हम रिलेटिव यूज करते हैं, वी यूज रिलेटिव मासेस। क्यों? क्योंकि इनके एक्चुअल मासेस इतने कम हैं कि भी लाइक इफ आई वाज राइटिंग 1.67 टाइम्स 10^-27 किलोग्राम फॉर वन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, and for one electron it was I must say 9.11 times 10^-31 kilogram, which is very small mass, matter ka itna kam mass hai. To ye masses useful masses nahi hai. हम बात रिलेटिव मैसेस की करते हैं, 1/1/2000 या 1/1840, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी यूज्ड इन एएस और ए लेवल कैलकुलेशंस। उनकी प्रेजेंस हमने देखी कि ये न्यूक्लियस में है, ये ऑर्बिट कर रहा है, शेल कर रहा है और न्यूक्लियस, ये डिस्कशन हमारा हुआ था। हमने फिर सवाल पूछा होगा आपसे कि इन पार्टिकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल कौन सा है, तो जवाब आया होगा प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर भी चेंज हो सकता है
these numbers can be changed. Numbers can be changed. अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो जाता है, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड, तो हम उन पार्टिकल्स को आयंस कहते हैं, और इफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन गेट्स चेंज्ड, तो हम इन्हें आइसोटोपिक पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, अभी बात करेंगे आज की क्लास में थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। आई नो आई हैव गॉट वंडरफुल स्टूडेंट्स हु हैव गॉट एक जबरदस्त नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री ऑफ देयर ओ लेवल्स। उन्हीं के ओ लेवल में रहते हुए कुछ क्वेश्चनिंग करेंगे और कुछ बेसिक्स को इम्प्रूव करके कॉन्सेप्ट को अपने हिसाब से मोल करेंगे। अब्दुल रहमान जावेद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आज लेट आए हो। यस सर। कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश किया करो कि टाइम पे आओ। ठीक है, अच्छा अब्दुल रहमान ये बताओ, इलेक्ट्रॉन, मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है, इफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड दे टर्न इनटू आयन। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन, अच्छा, और ये दिस एक्चुअली डिपेंड्स ओवर डिजायर ऑफ एन एटम, ये एटम के अपनी विश के ऊपर है कि इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या इलेक्ट्रॉन लूज कर ले। अब विश ऐसी नहीं है कि कभी दिल चाह, एक ही एटम का कभी दिल चाह रहा है गेन कर ले और कभी दिल चाह रहा है लूज कर ले, ऐसी विश नहीं है। ये उसके नेचर के ऊपर है कि अगर उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली है तो वो गेन करेगा, अगर उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली है तो वो लूज करेगा, है ना भाई अब्दुल रहमान? यस सर। यानी अगर मैं ये कहूं कि अगर कोई एलिमेंट या कोई एटम मेटल नेचर का है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, मेटल एटम्स कैन लूज, यस सर, है ना भाई? यस। नॉन मेटल एटम्स कैन गेन, है ना भाई रहमान? जी सर। अच्छा, थैंक यू अब्दुल रहमान फॉर पार्टिसिपेटिंग विद अस। अच्छा, मेटल एटम कैन इजीली लूज, मेटल एटम कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, क्यों? उसकी वजह इनके पास यकीन है, देखो लूज वो करेगा जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को सही तरह होल्ड नहीं कर पाता, अट्रैक्ट नहीं कर पाता। ठीक है बेटा, जो अट्रैक्ट नहीं कर सकता वो ही जाने दे सकता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, मेक कॉन्सेप्ट, मैं कॉन्सेप्ट मेकिंग पे काम कर रहा हूं। अट्रैक्ट कौन नहीं कर पाएगा? जिसका न्यूक्लियस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कंपैरेटिवली, जिसका न्यूक्लियस बहुत ज्यादा प्रोटॉन और बहुत कम शेल्स रखता हो वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा। जिसका न्यूक्लियस बहुत कम प्रोटॉन्स विद रिस्पेक्ट टू इट्स नंबर ऑफ शेल्स रखता हो तो वो आसानी से लूज कर देगा। तो एक्चुअली इट डिपेंड्स ओवर न्यूक्लियर स्ट्रेंथ,
ये न्यूक्लियर स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। न्यूक्लियर स्ट्रेंथ को मैं ये कह लूं कि जिसके न्यूक्लियस के पास इफेक्टिविटी ज्यादा है या जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है। ठीक है बेटा, इज दैट मेकिंग सेंस टू एवरीवन? प्लीज रिस्पॉन्ड करो कि तुम लोग सब मेरे साथ उसी जगह पे जहां पे मैं खड़ा हूं। Everyone should respond on this without failure. Okay, shabash bachcho. Hashim Rana sahab, is this your first class? Hashim, can you open your mic? Yes or no? Chalo, abhi batana mujhe. Okay. नॉन मेटल एटम कैन गेन, तो इसका मतलब नॉन मेटल एटम्स का न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग होता है और वो अपने इलेक्ट्रॉन को तो जाने ही नहीं देते बल्कि दूसरों के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। है भाई, यही बात हुई ना? जो अपने को तो जाने ना दे और दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले वो कहलाएगा नॉन मेटल, और जो अपने को जाने दे दूसरों को ना अट्रैक्ट करे ना छेड़े ना तंग करे वो कहलाएगा मेटल। तो मेटल कैन बिकम पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन लॉस के बाद कौन सा आयन बनता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन के बाद कौन सा आयन बनता है? नेगेटिव। लॉस के बाद पॉजिटिव, गेन के बाद नेगेटिव। क्विकली कोई एक बच्चे बताए, लेट्स सी कौन आंसर करता है फर्स्ट। पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड मेटल्स, कैट आयन। देखा ना, पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड कैट आयंस, नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड एनायंस। ठीक है, दो टर्म्स और आ गई तुम्हारे पास, कैट आयन एंड एन आयन। ठीक है, अच्छा जी, शाबाश अकृष्णा। ओके, पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन लॉस के बाद, नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रॉन गेन के बाद। चलिए वापस आते हैं, इलेक्ट्रॉन डिजायर के हिसाब से, नेचर ऑफ एलिमेंट के हिसाब से गेन और लूज का मामला है, लेकिन न्यूट्रॉन का चेंज होना ये एक नेचुरल टेंडेंसी। अब न्यूट्रॉन कोई ऐड नहीं करता है किसी एलिमेंट के अंदर, मैं तुम हम बढ़ा दो, उसके अंदर भारी भारी सा एटम चाहिए तो हम नहीं कर सकते हम, ये एक नेचुरल टेंडेंसी है न्यूट्रॉन का बढ़ जाना या कम हो जाना, जिसकी बेसिस के ऊपर आइसोटोप्स डिफरेंशिएट हो सकते हैं। मैं यहाँ पे एक टर्म और एक नहीं दो टर्मिनोलॉजी ऐड करता हूं, फिर वापस स्लाइड पे आऊंगा। आई हैव थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिकल, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स
एन आइजो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोप्स के पास सेम प्रोटॉन होने चाहिए। आइजो का मतलब होता है सेम, टोप इज रेफरिंग टू प्रोटॉन्स। आइसोटोन्स सेम न्यूट्रॉन्स होने चाहिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब मैं सबकी एक एक एग्जांपल पहले दे दूं, फिर मैं वापस अपने डिस्कशन पे जाऊंगा। सोडियम 11, सोडियम 11 23 एंड 24, या सोडियम 11। अच्छा, हम जरा क्लियर करो कॉन्सेप्ट को। ये दोनों एटम भी एक दूसरे के आइसोटोप हैं। तो आइसोटोप एटम के लिए टर्म यूज की गई है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट नो मैटर दे हैव सेम मैसेस और नॉट। बस क्लियर, हमारे तो बस आइसोटोप के टर्म आते डिफरेंट मास होना चाहिए। नहीं भाई, सेम प्रोटॉन होने चाहिए, नो मैटर दे हैव सेम मैसेस और डिफरेंट मास। ये दोनों भी आइसोटोप और ये दोनों भी आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब सेम प्रोटॉन। प्लीज क्लियर दिस थिंग, आइसोटोप का दूसरा मतलब एटम विद सेम प्रोटॉन। बट जनरली हम क्या करते हैं, आइसोटोप्स टू डिफरेंट आइसोटोप्स अगर यू बोला जाए तो दे मस्ट हैव डिफरेंट न्यूट्रॉन, क्योंकि डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट है। इज दैट मेकिंग सेंस टू माय स्टूडेंट्स? Is this clear to five students only? Six, seven, eight, नहीं है तो बोलो कि हाँ नहीं हुआ है। Now, second term, isotope. Oh, sorry, second term is isotone. Isotone कौन है? Same neutron. अब जरा देखो, phosphorus 15, 31, sulfur 16, 32, इन दोनों पार्टिकल्स को कंपेयर करो। क्या दोनों के पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? ये सिर्फ आइसोटोन्स है। इसके न्यूट्रॉन कितने? 31 माइनस 15। इसके कितने? 32 माइनस 16। इसके पास भी 16 न्यूट्रॉन, इसके पास भी 16 न्यूट्रॉन्स, राइट? और आइसो इलेक्ट्रॉनिक दैट मीन्स दे शुड हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन 3 माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस, फ्लोरीन 1 माइनस, नियॉन चार्जलेस, सोडियम 1 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस। ऑल ऑफ दीज पार्टिकल्स
हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 7 एंड इट हैज गेन्ड 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका एटॉमिक नंबर क्या 8 एंड इट हैज गेन्ड 2, कितने हो गए। इसका 9 गेन्ड 1, इसका 10 तो है ही 10, इसका 11 एंड लॉस्ट 1, इसका 12 एंड लॉस्ट 2, इसका 13 एंड लॉस्ट 3, इन सब के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। दीज पार्टिकल्स आर आइजो इलेक्ट्रॉनिक टू ईच अदर, ये सब एक दूसरे के आइजो इलेक्ट्रॉनिक है। मेकिंग सेंस? क्विक रिस्पॉन्सेस। तो ये मेरे पास तीन टर्मिनोलॉजी आइसोटोप, आइसोटोन एंड आइसोइलेक्ट्रॉन है, ये सामने आती है। वापस इस पे आते हैं कि न्यूट्रॉन का चेंज होना एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है, दिस इज अ नेचुरल फिनोमेनन, एक नेचुरल फिनोमेनन है। अच्छा, अब कल हमने प्रोटॉन नंबर को कहा कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, और पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, अ प्रॉपर्टी ओवर विच periodic table is setted, table is setted, वो property जिस पर periodic table को set किया जाता है इसे हम periodic function कहते हैं। ये क्या number of protons, और हमने इसको क्यों periodic function माना, क्योंकि ये नंबर कभी चेंज नहीं होता, ये नंबर कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है, ओके, ये तो एक बात हो गई। प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लेटर जी, और इसे लेटर जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, एंड इन केस ऑफ एटम प्रोटॉन्स आर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, एटम के केस में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं, ठीक। मास नंबर न्यूक्लियॉन नंबर मास नंबर न्यूक्लियॉन नंबर of an isotope, किसी भी isotope का mass number या nucleon number
is actually representing how heavy the nucleus is. How heavy the nucleus is. And it is two terms are non-standard terms. ये क्या है? तो मैं कह सकता हूं कि ये non-standard terminologies है. अगर ये non-standard terminologies है, तो उसकी standard term क्या होगी? खैर, इस पर बात करेंगे अभी. Mass number, nucleon number is represented by letter A. इसको किससे represent किया जाता है? Letter A से. And this is sum of protons and neutrons. Now, sum of proton and neutron is represented by letter A. So, मेरे पास दो terminologies, Z and A, दो नई चीजें आ गई. A तो चलो standard है, Z तो चलो standard है, A non-standard term है. तो A को standardize करने के लिए मेरे पास फर्ज करते हैं. फर्स्ट करते हैं ए नॉन स्टैंडर्ड है, तो ए को स्टैंडर्डाइज करने के लिए मुझे क्या क्या पता होना चाहिए. अगर मैं कह रहा हूं ये मास नंबर न्यूक्लियर नंबर इज अ नॉन स्टैंडर्ड टर्म, यानी केमिस्ट्री इसको ज्यादा इसके ऊपर रिलाई कर नहीं सकती, मजबूरी है केमिस्ट्री. केमिस्ट्री चाहती है कि उसके पास सारी स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी हो. हम स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज या स्टैंडर्ड टर्म्स या स्टैंडर्ड वैल्यूज क्यों यूज करते हैं? इन ऑर्डर टू गेट एक्यूरेसी इन अवर रिजल्ट्स. तो अगर फर्ज करो एक क्लोरीन कहता है कि मेरे एटॉमिक नंबर 17 है, दूसरा मास नंबर मेरा 35, दूसरा क्लोरीन आता है वो ये कहता है कि मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं क्योंकि मेरा मास ज्यादा है. तो हम सिर्फ इनकी बातों के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि भाई तुम कह रहे हो तुम्हारा मास ज्यादा है तो तुमसे इंप्रेस हो जाए, और ये कह रहा है मेरा मास कम है मैं ज्यादा स्लिम स्मार्ट हूं मुझसे इंप्रेस हो जाए. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, हम आपसे इंप्रेस नहीं हो रहे, हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए. तो स्टैंडर्ड वैल्यू मिले कैसे? दोनों उदास होता है. अब क्या करें ऐसा कि हमें स्टैंडर्ड वैल्यू मिल जाए? सबसे पहले ढूंढ के आओ कि तुम्हारी नेचर में परसेंटेज कितनी है, और तुम्हारी नेचर में परसेंटेज कितनी है. अब चलो फर्ज करो मैं पीरियोडिक टेबल सेट कर रहा हूं, ठीक है, मैंने सारे एलिमेंट्स को अपने घर बुलाया कि भाई सब लोग अपने अपने मैसेज बताओ ताकि मैं इसको फिल करूं. क्लोरीन की बारी है, एक क्लोरीन ने कहा आप 35 लिखिए, दूसरे ने कहा आप 37 लिखिए. अरे व्हाई वुड आई ट्रस्ट यू पीपल, टेल मी समथिंग स्टैंडर्ड. तुम दोनों तो आपस में लड़ रहे हो. तो कहते हैं नहीं मेरा मैथ कम है आप मुझे लिखे, ये क्या मेरा मैथ ज्यादा है आप मुझे लिख लीजिए, लोगों पे इम्प्रेशन पड़ेगा कि मैं तो बहुत ताकतवर हूं. तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए वी गो फॉर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी.
मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास का स्पेक्ट्रा विजुलाइज करना। अब मास का स्पेक्ट्रा मुझे मिलेगा कैसे? अब इसमें दो क्वेश्चंस तो बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल के आए हुए हैं पेपर में, और जनरली इसके क्वेश्चन जो एक एमसीक्यू आता है वो एक मार्क का, वो आसान हो। इवन थ्योरी पेपर में भी 3 मार्क का या 2 मार्क का कैलकुलेशन आता है, वो भी आसान होता है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ये कौन सी टेक्निक है? इट्स अ टेक्निक, फॉर फाइंडिंग ए आर वैल्यू और एम आर वैल्यू। एम आर वैल्यू तो हम ए टू में करते हैं, इस दफा हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ ए आर वैल्यू। एक ऐसी टेक्निक जिससे आप रिलेटिव एटॉमिक मास, अब देखो रिलेटिविटी मतलब कंपैरिजन बेस्ड मास, कंपैरिजन ऑफ ऑल द आइसोटोप्स, कंपैरिजन विद कार्बन 12 आइसोटोप। ये मशीन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मशीन बनी कार्बन के आइसोटोप के ऊपर है, इसलिए ए आर वैल्यू की डेफिनेशन में हम कार्बन 12 का जिक्र करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल बहुत सारी चीजों को एक साथ ओपन नहीं करेंगे, एक वक्त में एक फोकस्ड स्टडी करेंगे कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। दुनिया में हर एलिमेंट के, तकरीबन हर एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं। तो अगर मैं सबको बुला लेता अपने घर पे पीरियोडिक टेबल फिल करने के लिए, तो सब इसी लड़ाई में ही रात गुजर जाती कि मास किसका लिखा जाए और कुछ भी फिल नहीं होता। तो हमने एक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले को बुलाया कि भैया सब एलिमेंट्स की मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करें। कैसे होती है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो मशीन कैसी है? इस मशीन के काफी सारे चैम्बर्स हैं, काफी सारे 3-4 चैम्बर्स जो फोकस रह के आपने पढ़ने हैं। इस मशीन की वर्किंग तुम्हारे सिलेबस में नहीं रही है। हाँ, ए टू के सिलेबस में पूछी जा सकती है, लेकिन ओ एस में इसके बारे में कुछ ज्यादा पूछा जाता नहीं है कि मशीन काम कैसे करती है, लेकिन हमें पढ़ाना इसी से ही पड़ता है। अच्छा जी, ऑल द पार्ट्स आर कनेक्टेड, सब पार्ट्स कनेक्टेड है। पहले पार्ट को यानी जो ये ऊपर, इसको हम इंजेक्टर कह सकते हैं और इसे वेपोराइजर कहते हैं। एक क्या है इंजेक्टर, दूसरा क्या है वेपोराइजर। वेपोराइजर इसलिए कि अगर जो सैंपल तुम ऐड कर रहे हो उसे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया जाए। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी सॉलिड के ऊपर नहीं की जा सकती, सब्सटेंस को वेपोराइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर समथिंग इज ऑलरेडी इन गैसियस स्टेट, उसे वेपोराइजर की जरूरत नहीं होती। दूसरा पार्ट है आयोनाइजर, तीसरा है एक्सेलरेटर, फिर मेरे पास है फ्लाइट ट्यूब, इसके बाद मेरे पास एब्जॉर्बर विच इज कनेक्टेड टू कंप्यूटर और इलस्ट्रेटर। कंप्यूटर कह लीजिए, कंप्यूट करता है, कंप्यूटर का काम क्या है? कैलकुलेशन करना, और ये मुझे एक ग्राफिकल रिजल्ट्स बना के देता है। ठीक है, और उस ग्राफिकल रिजल्ट से मैं खुद से कैलकुलेशंस करता हूँ और ए आर फाइंड करता हूँ।
ठीक है चलो, यहां तक बात समझ में आती है, रिस्पांस देना, ट्यूब का स्ट्रक्चर क्या है और इस अपैरेटस का स्ट्रक्चर, कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछो। एवरीवन नहीं भी आया तो पूछा करें यार, पूछने से मजा आता है क्लास के अंदर कुछ। चलो लेट्स सपोज, अब जरा डिस्कशन शुरू होगा। अब आई वांट एवरीवन टू गेट अलर्ट, जो लेटे हुए पढ़े हुए क्लास ले रहे हैं ना वो उठ के बैठ जाए, आधी से ज्यादा क्लास सोते हुए क्लास ले रही है, मुझे ये फीलिंग आ रही है, उठ के बैठो एक अच्छे जेस्चर के साथ, एक अच्छे पोस्चर के साथ, ताकि तुम्हारी चीजें समझ में आनी शुरू हो, वरना क्लास में भी आके लेट जाओगे जब फिजिकल स्टार्ट हो। ओके फर्ज करते हैं कि मैंने इसमें सोडियम मेटल इंजेक्ट कर दिया। सोडियम मेटल की स्टेट क्या है? सॉलिड है। तो वेपोराइजर क्या करेगा? सोडियम को किस में कन्वर्ट करेगा? सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में। ठीक है, गैस का मतलब क्या कि सोडियम एटम अब अलग अलग हो गए, सारे एटम एक दूसरे से अलग। अब क्योंकि तुम्हारे पास प्रायर कॉन्सेप्ट कॉन्फ़िगरेशन का कुछ ऐसा वाला है, राइट? ये है सोडियम, अलग हो गया। और कहां पहुंचा? जैसे ही वेपोराइज हुआ कहां पहुंच गया? आयोनाइजर में। आयोनाइजर में क्या है ऐसा? आयोनाइजर में इलेक्ट्रॉन गन्स हैं या इलेक्ट्रॉन बुलेट्स फायर करता है। आ जाओ आप नेक्स्ट पेज पे पहले। ये रहा सोडियम एटम, पहले इस बात को समझते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गन यकीनी तौर पे बहुत बड़ी होगी कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। ये गन है जाहिर सी बात है, और ये एटम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें से इमिट आउट होती है। अब इस इलेक्ट्रॉन को नहीं पता कि मैं कहां जाके हिट। अच्छा, सारे यानी जितने भी गन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है ये सब के सब, दे डोंट बैंग ऑन टारगेट ऑलवेज, बहुत सारे ऐसे होंगे जो जाया हो जाएंगे। एक फर्ज करो इलेक्ट्रॉन निकला और जाके हिट किया इस इलेक्ट्रॉन, इनर्शियल इलेक्ट्रॉन। तो अभी आउटर शेल इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को हिट करने की कोशिश कर रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास आना शुरू होगा दूसरे में रिपल्जन शुरू हो जाएगी। हाँ, रिपल्जन ही के थ्रू ये इसको इजेक्ट कर, नॉकआउट करते, बाहर निकालते। अब सोडियम का वैलेंस शेल तो बाकी है, हो सकता है कोई अंदर का इलेक्ट्रॉन निकाल दिया,
ये पार्टिकल क्या बन जाएगा, सोडियम कैटायन, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता कि इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन्स हैं, लेकिन ये जरूर पता है कि आयोनाइजर ने सोडियम को सोडियम आयन बना दिया। अब हर किस्म के, अब मुझे नहीं पता कि इतने बड़े लंप ऑफ सोडियम में जो गैस में कन्वर्ट हुआ कितने सोडियम के आइसोटोप्स थे, कितने टाइप के आइसोटोप थे, कितनी परसेंटेज के आइसोटोप थे। बस मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गन से आयनाइजर की मदद सबको कैटाइन बना लिया, कैटाइन बन गए, एक्सेलरेटर में पहुंचे, एक्सेलरेटर पे पॉजिटिव टर्मिनल होगा जो कैटाइन को रिपेल करेगा, द इलेक्ट्रॉन कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ एटम। हाँ बेटा, यही तो मैंने इधर एक्सप्लेन किया कि जब मैं इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ थ्रो करूंगा, इलेक्ट्रॉन की बीम मुस्तकिल निकलती रहेगी, तो ये जाके किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन के करीब पहुंचेगी, कॉजिंग रिपल्जन एंड इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, इसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर देगी, और इस इजेक्ट होने से, इस इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने से ये पार्टिकल कैसा बन जाएगा, सोडियम कैटायन, ठीक है ओसामा, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ रिपल्शन। चले नहीं कोई बात नहीं, आप पूछा करें आप सब लोग सवाल, थैंक यू थैंक यू कहने की जरूरत नहीं, मेरा काम है ही आपको बताना। ओके और अब आयोनाइज्ड सोडियम, अब मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी का बाहर वाला निकला, हो सकता है किसी का पहला वाला चेक हुआ, हो सकता है किसी का बीच वाला चेक हुआ, हो सकता है किसी का कुछ नहीं हुआ हो। अच्छा, जिसका कुछ नहीं हुआ होगा वो एक्सेलरेटर में आएगा तो उसे रिपल्जन नहीं फील होगा, वो यही रहेगा, जब वापस भेज दिया जाएगा उसे कनेक्टिंग ट्यूब के थ्रू। लेकिन जो चार्ज हो गए हैं वो तेजी से जाके मुख्तलिफ पॉइंट्स पर हिट करेंगे, ये एब्जॉर्बर इनकी वेलोसिटी से इनके मास का तयन करेगा, इनकी वेलोसिटी से, इनकी डायरेक्शन से मास का एनालिसिस करेगा और ये कंप्यूटर को डेटा बना के दे देगा। डेटा बन गया, डेटा क्या बना कि सोडियम का एक आइसोटोप जिसका मास 23 है वो कितने पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल थे उनके 94% उनमें से 94% सोडियम 23 के थे और 24 वाले 6% थे। सर, कैन एन इलेक्ट्रॉन हिट अ प्रोटॉन एंड टर्न इनटू न्यूट्रॉन, इसके चांसेस रेयर है, क्यों, क्योंकि वो गैसियस एक्साइटेड स्टेट में है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, न्यूट्रॉन बनने का अमल खुद से एक्सोथर्मिक है, तो हीटेड एनवायरनमेंट में एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस नहीं होते, एंडोथर्मिक हो सकते हैं। ठीक है सफर, ये तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा था। ओके सफर, ओके, तो कंप्यूटर ने मुझे डेटा प्रोसेस करके दे दिया कि 90, तो सर एक मिनट, सर सिर्फ Na+ ही आयन बनते हैं या दो तीन इलेक्ट्रॉन, देखो मैंने तुम्हें पहले बात की, बहुत लेस चांसेस हैं आयन बनने के, सबसे पहली बात, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी
बहुत कम है अनलेस तुम बहुत ज्यादा मास सोडियम का इस्तेमाल करो, और एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना ही मुमकिन है, एक से ज्यादा को इजेक्ट करना क्यों, जब एक इजेक्ट हो जाता है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑब्वियसली पहले से बढ़ जाएगी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, और दूसरे को इजेक्ट करना अब इतना आसान नहीं रह पाएगा। इज दैट मेकिंग सेंस उसामा? तभी किसी आदमी के 100 रुपए गिर जाते हैं तो बाकी के 200 रुपए वो संभाल के रखता है इतना ज्यादा कि वो जेब में भी हाथ में पकड़ के चल रहा होता है, ऐसा ही होता है भाई, जिसकी एक चीज खो जाती है तो वो बाकी चीजों का ख्याल रखना शुरू कर देता है ना, एक नेचुरल ह्यूमन नेचर है, तो एटम की एटॉमिक नेचर है, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो बाकियों को, बाकियों से बहुत ज्यादा उसको मोहब्बत हो जाएगी, उनको बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो दूसरे का निकलना मुमकिन नहीं है। ये तो हमने सोडियम की बात की, इससे ज्यादा क्रूशल केस है मेरे पास अभी, तो शायद आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, आज सिर्फ बेसिक ग्राउंड बना रहा हूं। तो जब अच्छा अब फर्ज करो एक लंप है, देखो कुदरत ने एक कानून सेट किया है कि अगर सोडियम के आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं ना, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो ये प्रोसेस हो जाएगा, नहीं बेटा उसमें भी इलेक्ट्रॉन लूज करवाएंगे, भाई साहब जरा कल तक का इंतजार कीजिए, किस खूबसूरती से उससे इलेक्ट्रॉन लूज करवाएंगे क्या आप देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा कुदरत का एक कानून मैं बता रहा था कि अगर कोई सब्सटेंस आइसोटोप रखता है तो हर जगह, अगर सोडियम के दो आइसोटोप्स हैं तो वो सोडियम क्लोराइड, फर्ज करो घर में तुम्हारे जार रखा हुआ है नमक का, इसमें सोडियम क्लोराइड है NaCl, इसमें सोडियम आयंस है, तो ये उसी प्रोपोर्शन में होंगे जिस प्रोपोर्शन में इसके आइसोटोप एक्जिस्ट, यानी 94% कौन से सोडियम आयन होंगे, सोडियम 23 वाले, और 6% कौन से होंगे, सोडियम 24 वाले, विदाउट एनी डाउट, बगैर किसी शक व शुभ के। अब हाइड्रोजन की कल बात की थी मैंने, हाइड्रोजन की आइसोटोप 98.2, एक हाइड्रोजन है, 0.4 एक हाइड्रोजन है, और 1.2 एक हाइड्रोजन, 1.4 एक हाइड्रोजन है, ये है H1, H2 और सॉरी ये 3 है। तो दुनिया में जहां जहां पानी है, अब इससे पानी भी तो बनेगा ना H2 का, जितने भी पानी के मॉलिक्यूल्स है उनमें प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन सेम होगा, ठीक है, उनमें प्रोपोर्शन उनके आइसोटोपिक अबंडेंस के हिसाब से होगा। तो अभी इफ आई हैव टू फाइंड आउट AR ऑफ सोडियम, मुझे सोडियम के दो आइसोटोप मिले, एक आइसोटोप मिला 94% ऑफ 23 प्लस 6% ऑफ 24, तो क्या AR वैल्यू होगी, ये A वैल्यूज थी दोनों की, परसेंटेज अबंडेंस को यूज किया तो ये क्या कहलाने लगेगा, परसेंटेज अबंडेंस से कंपेयर किया तो ये क्या कहलाने लगेगा, रिलेटिव एटॉमिक मास, कितना आएगा बताओ जरा कैलकुलेट करके, कैलकुलेटर ही नहीं होगा, सब लेटे हुए हैं बिस्तर के अंदर सो रहे हैं, है ना भाई, अम्मा से मंगा रहे होंगे, अम्मी कैलकुलेटर लाते हैं, अब्बा कैलकुलेटर लाते हैं, हमें पढ़ना है। फैज तुमने गलत किया थोड़ा सा, दोनों को सम करना था, मेरे पास कितना है 23.06,
पीरियोडिक टेबल में सोडियम की वैल्यू 23.0 लिखी जाती है। Is that making sense to everyone, मेरे बच्चों? ताकि किसी की लड़ाई ना रहे, दोनों आइसोटोप खुश रहे क्योंकि दोनों का एवरेज लिखा गया है। इज दैट मेकिंग सेंस टू सच नाइस क्लास? सारे बच्चे रिस्पॉन्स करें, अगर नहीं समझ में आया दोबारा पूछे, मैं दोबारा बताऊंगा। जो परसेंटेजेस मुझे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मशीन बता देगी, मुझे उससे बाहर नहीं जाना। अपनी मर्जी से कुछ नहीं सोचना। मेरे पास सबके रिस्पॉन्सेस आए नहीं है बाय द वे। एक बच्चा कह रहा था शायद उसके इंटरनेट का मसला है, तो अभी भी मेरे पास 16 में से 17 में से 10 रिस्पॉन्सेस आए हैं। फाइज सिद्दीकी, फाइज कैन यू ओपन योर माइक इफ इट इज वर्किंग? यस सर। कैसे हो फाइज? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फाइज, ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मशीन का फंक्शन कुछ समझ आया?